राखी उत्सव के चलते मिठाइयों की खपत बढ़ने के कारण नकली मावे को लेकर झाबुआ खाद्य विभाग द्वारा झाबुआ जिले के मेघनगर और रतलाम के आसपास के एरिया से नकली मावा आने के संदेह पर मेघनगर स्टेशन रोड बस स्टैंड साई चौराहा के आसपास के होटलों पर नकली मावे की तलाश की गई। खाद्य टीम द्वारा कई दुकानों पर कार्रवाई के बाद दुकान के बाहर खुले में पड़े नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थों को ढककर रखने की हिदायत व्यापारियों को दी गई। कोई भी नकली मावे का प्रयोग नहीं करेगा एवं दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों में भी मिलावट ना करने की सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की गई। तेल से बनने वाली खाद्य वस्तुओं में अच्छा तेल एवं शुद्ध देशी घी इस्तेमाल करने की समझाइश दी गई। झकना आदा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मेघनगर में जो आज कार्रवाई की गई है मेनली जो है वो दूध और दूध के उत्पाद को लेकर की गई थी, जिसमें जो मेमो ट्रेन से आने वाला जो मावा है उसको लेकर जांच की गई थी। एक दुकान थी जहां पर लगभग 15 किलो मावा जो खराब जिसमें बदबू आ रही थी उसको डिस्ट्रॉय करवाया गया है और ये लगातार आगे भी कार्रवाई इस प्रकार की जारी रहेगी। किसी विशेष दुकान पर कोई कार्रवाई या फिर रिस्ट्रिक्शन दिए गए? लगभग सभी होटलों को जाँच की गई है आज, जिसमें सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के जरूर कहा गया है, जिसमें उनकी दुकान में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बोलो जरूर बनना है, फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा ये, और इसके अलावा साफ स्वच्छता को लेकर भी इंस्ट्रक्शन दिए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।